जब वो 16 साल की थी तब वो राजनीति में आना चाहती थी, पर फिर उसकी आंखों ने इतना कुछ देख लिया कि उसकी आंखों का ये सपना आंखों में ही दफन होता रहा। एक लंबे समय तक सीधी राजनीति से दूर रही वो बच्ची आज राजनीति के केंद्र बिंदु में है और उत्तर प्रदेश चुनाव का एक बड़ा चेहरा भी है। ये कहानी है नेहरू गांधी परिवार की लाडली प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका जिनमें लोगों को दिखती है उनकी दादी इंदिरा गांधी। मां को मैं संभाल लूंगी। राजीव गांधी की मौत के बाद नेहरू गांधी परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। सोनिया गांधी सदमे में थी और अमेठी से आने वाले सभी लोगों से प्रियंका ही मुलाकात कर रही थी। ये वो वक्त था जब राहुल हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, पर सोनिया की स्थिति को देखते हुए अब असमंजस बना हुआ था कि राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे या नहीं। उस वक्त में प्रियंका आगे आई और राहुल से कहा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, माँ को मैं संभाल लूंगी। इंदिरा की साड़ी पहनती है प्रियंका। प्रियंका गांधी में सभी को इंदिरा गांधी नजर आती हैं। बोलने का लहजा हो या उनका पहनावा, हेयर स्टाइल हो या फिर विरोधियों को दो टूक जवाब देने की आदत, प्रियंका हर मामले में अपनी दादी के करीब नजर आती हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि प्रियंका न सिर्फ अपनी दादी की राजनीतिक विरासत को अब आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि आज भी इंदिरा गांधी की साड़ियां प्रियंका के वार्डरोब का अहम हिस्सा है और आज भी प्रियंका अधिकतर अपनी दादी की साड़ी पहनती नजर आती हैं। इंदिरा की कठोरता, नेहरू की कोमलता। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट दिया था। सतीश के सामने चुनाव लड़ रहे थे अरुण नेहरू। अरुण रिश्ते में राजीव के भाई थे, लिहाजा प्रियंका के चाचा भी। रायबरेली में उस चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, आपने ऐसे आदमी को यहाँ आने कैसे दिया जिसने मेरे पिता के पीठ में छुरा घोंपा था, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया। ये मेरी दादी का संसदीय क्षेत्र रहा है, इसलिए मैं आपसे जवाब मांगती हूँ। प्रियंका का ये कहना था कि रायबरेली की जनता ने अरुण नेहरू को बुरी तरह हरा दिया, पर उन्हीं अरुण नेहरू की मौत के बाद उनको मुखाग्नि प्रियंका के बेटे ने दी। ये किस्सा ये बताने के लिए काफी था कि प्रियंका में एक तरफ जहां इंदिरा से कठोरता थी तो वहीं दूसरी तरफ नेहरू की कोमलता भी उनमें झलकती है। कांग्रेस की उम्मीद है प्रियंका। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका को कांग्रेस हाईकमान ने उतारा तो उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। ये चुनावी मौसम था और प्रियंका पहली बार सीधी राजनीति में उतरी थी। प्रियंका को कांग्रेस ने महासचिव बनाया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी। उस वक्त बनारस में लगी एक होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई, जिसमें लिखा था कि मैया दो आदेश, प्रियंका बढ़ाए देश का कर, यूपी में अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आ जाओ प्रियंका, छा जाओ प्रियंका। ये पोस्टर ये बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीद अगर कोई है तो वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। बचपन का प्यार। प्रियंका की उम्र जब 13 साल की थी तब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार देखा था। ये लव एट फर्स्ट साइट वाली कहानी सी थी। फिर 7 साल बाद वो वक्त भी आया जब 20 साल की प्रियंका और 22 साल के वाड्रा शादी के बंधन में बंध गए। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दोनों की शादी बहुत ही सादगी से भरी हुई हुई थी और इस शादी में चुनिंदा लोग ही सम्मिलित हुए थे जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़े थे। प्रियंका इस वक्त में यूपी चुनाव के मद्देनजर लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। 3 दशकों के बाद प्रियंका अपनी पार्टी को चुनाव जिताने में सफल हो पाएंगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है,
पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका और उनके साथियों ने यूपी कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।